सो यार जेजे के चैप्टर 265 आ चुका है एंड टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर में हमें कुछ ज्यादा देखने नहीं मिलता, बस सुकुना और यूजी के बीच में बातें चलती है। बट स्टिल इस चैप्टर में दो चीज काफी बड़ी रिवील होती है। पहला ये है कि यूजी अगर चाहता तो सुकुना को स्टार्टिंग में ही मार सकता था, लेकिन भाई उसने ऐसा क्यों नहीं किया उस बात का भी रीजन हमें पता चलता है। और सुकुना भी यहाँ पर यूजी को चाहता तो मार सकता था, लेकिन क्यों उसने ऐसा नहीं किया ये चीज भी रिवील होती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन कीप वॉचिंग। सो एज पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और उसके तुरंत ही बाद ये दोनों किसी अनजान स्टेशन पे आ जाते हैं, सुकुना भाई अपने यूजी वाले फॉर्म में वापस आ जाता है और यहाँ हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इस चैप्टर के पहले ही पैनल में हमें ये रिवील हो जाता है कि भले ही यूजी ने इस बार अपना डोमेन यूज किया हो, बट ये इसका एक्चुअल डोमेन नहीं, क्योंकि जब एक सोर्सरर एक दूसरे से फाइट करता है तो वो एक दूसरे से इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के इमोशंस फील करने लगते हैं। और सुकुना के साथ ये ऑलरेडी 3 बार हो चुका है, पहला जब सुकुना जोगो के साथ फाइट कर रहा था और दूसरा जब वो काशिमो से लड़ रहा था। अब भले ही सुकुना ने ये सब चीजें फील की हो, लेकिन इस बार सुकुना कहते हैं कि ये कुछ अलग है, बिकॉज यहाँ पर सुकुना जब भी ऐसी सिचुएशन में रहता है तो मोस्ट ऑफ द सोर्सरर तब ऑलमोस्ट मरने की हालत में रहते हैं। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, यूजी इस बार जिंदा है और इस बार उसने ही अपना डोमेन यूज करके ये सिनेरियो क्रिएट किया है। अब अगर ओपोनेंट के मरने पर ही ऐसा कुछ होता है तो ऐसा तो नहीं कि भाई इस बार सुकुना ही मरने वाला है, क्योंकि देखो यार मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी तुम लोग क्या सोचते हो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताओ। उसके बाद सुकुना यूजी से ये पूछते हैं कि व्हाट इज दिस योर डोमेन। उसके रिप्लाई में यूजी सुकुना को बोलते हैं कि भाई जरा शांत हो जा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता हम कहाँ आ गए और ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा है। उसके बाद यूजी यहाँ सुकुना से बोलता है कि मुझे तुमसे थोड़ी बातें करनी है, तो चलो घूमते घूमते थोड़ी बात कर लेते हैं। अब उसके बाद यूजी सुकुना को कुछ जगह दिखाता है और एक घर भी दिखाता है जहां वो पहले उसके ग्रैंडपा के साथ रहा करता था। उसके बाद यूजी सुकुना से बोलता है कि कैसे वो 10 साल बाद वापस आया था सेंडाई उसके ग्रैंडपा के दोस्त के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। अब उसके बाद यूजी ये वंडर करते हैं कि अगर उसके ग्रैंडपा पहले मरे होते तो क्या ये आदमी उनके फ्यूनरल में आता। एंड एज वी ऑल नो हमें यही दिखाया गया था कि यूजी के ग्रैंडपा जब ऑफ होते हैं तो यूजी के अलावा उनके फ्यूनरल में और कोई नहीं होता। उसके बाद यूजी फिर से सुकुना को यहाँ पे फालतू चीजें बताने लग जाता है कि कैसे वो यहाँ पे खेला करता था, पानी पिया करता था। फिर यहाँ यूजी सुकुना को कुछ फ्लावर्स दिखाता है जो कि उसे पसंद तो थे, लेकिन यूजी को उनका नाम ही नहीं पता। फिर यहाँ यूजी को करेक्ट करते हुए सुकुना उनका नाम ढंग से लेता है, जिस पर यूजी एकदम सरप्राइज होकर सुकुना से पूछते है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जिस पर सुकुना रिप्लाई देता है कि ये सब मेगोमी के मेमोरीज में पहले से ही थे। जिसके बाद यूजी बोलता है कि अच्छा तो फिर तो तुम्हें ये सब जगहों के बारे में पता ही होगा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यूजी और सुकुना क्रैब पकड़ने का कॉम्पिटिशन करते हैं। उसके बाद ये दोनों लड़ने बैठ जाते हैं कि तुम्हारा छोटा है और मेरा बड़ा है क्रैप। अब यहाँ भी यूजी रुकता नहीं है भाई, एकदम कॉमन से कॉमन चीज भी उसे बताने लग जाता है, जैसे ये डिपार्टमेंटल स्टोर, हॉर्स फार्म और आइसक्रीम शॉप जहाँ यूजी पहले आइसक्रीम खाया करता था। उसके बाद लास्ट में ये दोनों आर्चरी का कॉम्पिटिशन करते हैं जिसमें सुकुना जीत जाता है। फिर वापस यूजी यहाँ पे शुरू हो जाता है, सुकुना पर अपनी बचपन की बातें बताता है कि कैसे क्रिसमस आया करता था, उसे स्नो बहुत पसंद थी, बचपन में वो सोचता था कि सेंटा रियल है। लेकिन अब इतनी सारी फालतू बात सुनने के बाद अब सुकुना का दिमाग खराब हो चुका था, जिस पर अब सुकुना बोलते है कि ओए बस कर अब बहुत सुन लिया मैंने। अब भाई यहाँ यूजी काफी कामली जवाब देता है सुकुना को और बोलता है कि वेल मुझे जो तुम्हें दिखाना था वो सब मैंने तुम्हें दिखा दिया है। जिस पर सुकुना बोलता है कि ये सब फालतू बातें बनकर अब मेन पॉइंट क्या है वो बता। अब उसके बाद यूजी अपने थॉट्स शेयर करता है और बोलता है कि कैसे वो सोचता है कि अपना रोल फुलफिल करना है लाइफ का गोल होता है और अगर तुम वो फुलफिल कर लेते हो तो तुम्हारी डेथ एक प्रॉपर डेथ मानी जाती है। लेकिन अब यूजी को ऐसा नहीं लगता क्योंकि काफी सारे रोल्स लाइक डॉग को घुमाना, फैमिली को संभालना, ये सारी चीजें अब मैटर ही नहीं करती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ये सब रोल्स खाना हगना ये सब चीजों में आते हैं और ये गोल्स लाइफ में मैटर करते ही नहीं। अब यहाँ यूजी के कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम करो जिससे दूसरों की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़े और तुम्हारी मेमोरीज उस बंदे के माइंड में हमेशा याद रहे, तब जाकर तुम्हारा मकसद असल जिंदगी में कामयाब होगा एंड तब जाके बोला जा सकता है कि तुमने अपना रोल ढंग से निभाया है। दैट्स व्हाई भाई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे मरते हो, लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है जैसे कि तुम और माही तो सोचते हो। आगे यूजी सुकुना को ये बोलता है कि आई डोंट लाइक यू बिकॉज तू इंसानों को सिर्फ यहाँ पे एक इंसेक्ट की तरह समझता है, जिस पर कि सुकुना बोलता है कि यस बिकॉज आई डोंट फील एनीथिंग ब्रैट। अब देखो यार जो वैल्यू यहाँ पे यूजी सुकुना को समझाने की कोशिश कर रहा था वो वैल्यू सुकुना समझता ही नहीं है, और भाई ये सुकुना यहाँ पे कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, सुकुना है ही ऐसा, इमोशन नाम की चीज भाई उसे फील ही नहीं होती, मानो उसके सीने में दिल ही नहीं है। उसके बाद सुकुना ये बोलता है कि मान गया भाई मैं तेरी कायरता देख के, जिस पर यूजी फिर से शांति से रिप्लाई देता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए यही है ना हेट्रेड एंगर। अब देखो ये सुनने के बाद सुकुना यहाँ थोड़ी देर तो चुप रहता है, फिर यहाँ उसे रियलाइज होता है कि ये जो यूजी इस तरीके से बिहेव कर रहा है उस पर सिर्फ दया दिखाने के लिए। और भाई अब यहाँ यूजी सीरियस होकर सुकुना को बोलता है कि दैट्स राइट सुकुना आई हैव द एबिलिटी टू एंड योर लाइफ, लेकिन अगर तुम फुशिकोरो की बॉडी को छोड़कर मेरे अंदर वापस आ जाते हो तो मैं यहाँ तुम्हें बख्श दूंगा। अब देख रहे हो ना भाई कि मेन कैरेक्टर कितना बैडेस हो गया है। अब हमें यहाँ पता भी नहीं चला कि यूजी कब इतना स्ट्रांग हो गया कि वो सुकुना को धमकी दे रहा है भाई, वो भी जान से मारने की। अब यहाँ भाई सुकुना काफी रेज में आ जाता है और यूजी को बोलता है कि तू बहुत ही ज्यादा उछल रहा है कीड़े, मैं तुझे यही काट कर तेरी बोटी बोटी बना दूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं उन
सभी लोगों को तेरे सामने मारूंगा जो कि तेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जिन्हें तू पसंद करता है, जिनकी तू फिक्र करता है, उन सबको तेरी आंखों के सामने मारूंगा। अब यहाँ सुगुना की सबसे बड़ी गलती यही होगी दोस्तों कि वो यूजी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब यूजी अवेकन हो चुका है और हर फाइट में उसका पावर लेवल यहाँ बढ़ते ही जा रहा है। और शायद यहाँ यूजी अपने डोमेन के बारे में जानता हो तभी वो सुगुना को धमकी दे रहा है, मतलब अगर यहाँ सुगुना मेगुमी को नहीं छोड़ेगा तो यूजी उसे मार देगा। वीडियो अच्छी लगी होता है लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सब्सक्राइब भी कर दो यार हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस के सब लाते रहते हैं। बाकी शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।